गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीजन क्या है गाइस? पोको F3, मतलब वो जो पोको सीरीज का F3 वाला मॉडल है ना, वो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है मतलब लोगों के माइंड में कि हमें जो है वो वाला फोन चाहिए, क्योंकि उसमें एक नया लेटेस्ट चिपसेट यूज किया गया है, स्नैपड्रैगन 870, और साथ में जो ओवरऑल जो फोन है ना उस प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट सेगमेंट वाला फोन जो है बन जाता है गाइस। उसी के नाम मतलब जो उसका ही रीब्रांड हमारे इंडिया में फोन लॉन्च होने वाला है 23 अप्रैल को इंडिया के अंदर, जो कि है Mi 11X। गाइस आप देखो, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पोको F3 आए या फिर जो है Mi 11X आए, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ये है कि प्राइस एक अच्छा होना चाहिए, और वही फोन जो स्नैपड्रैगन 870 के साथ में जो है हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है ना, वो एक इस प्राइस सेगमेंट में आना चाहिए, जो कि पोको F3 लॉन्च है ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार रुपए के आसपास। गाइस फाइनली जो है अनाउंस हो गया है कि Mi 11 सीरीज जो है लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर टॉप मॉडल होगा Mi 11 अल्ट्रा, एंड उसका जो है Mi 11X भी जो है लॉन्च होने वाला है 23 अप्रैल को इंडिया के अंदर। और गाइस ये फोन जो है लिटरली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब जो है एक अच्छा फोन होने वाला है। गाइस सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये है फोन का डिजाइन, जो कि एक अच्छा डिजाइन आपको जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहां पर अगर डिस्प्ले साइज की बात करते हैं, वो है 6.67 इंच का डिस्प्ले सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में पंच होल स्क्रीन। गाइस लिटरली जो है सुपर एमोलेड स्क्रीन एंड 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एक ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छी बात है गाइस। उस प्राइस सेगमेंट में 25-26 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में जो है इतना अच्छा डिवाइस आपको जो है देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जो है उसमें यूज किया जाएगा। एंड जहां पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन की, तो वहां पर आपको स्क्रैचेस तो जरूर दिखाई देते हैं डिस्प्ले पे, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में जो है वो डेफिनेटली आपका फोन जो है प्रोटेक्ट कर पाएगा। गाइस बात करते हैं बैक डिजाइन की, तो कुछ इस टाइप का जो है डिजाइन देखने को मिलेगा पोको F3 या फिर जो है Mi 11X भी हम जो इसको बोल सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि एक अच्छा डिजाइन के साथ में जो है बनाया गया है। जहां गाइस अगर बात करते हैं इसके मेन कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, वो है 48 एमपी का रियर कैमरा, एंड सेकेंडरी कैमरा है वो ए है 8 एमपी का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, एंड 5 एमपी का जो है मैक्रो लेंस के साथ में जो है यूज किया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, पोर्ट्रेट शॉट भी आप जो है जरूर से कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन वो होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाएगा पोर्ट्रेट शॉट लेने के लिए। पर इसके अलावा गाइस अगर फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे मिलेगा 20 एमपी का फ्रंट कैमरा पंच होल स्क्रीन के अंदर। ओवरऑल अगर यहां पे कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो चाहे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन नो डाउट आपको जो है परफॉर्मेंस जो है ना कैमरे का एक ऑसम और एक अच्छा दिखाई देगा। कई अगर बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, अगर जहां पर बात करते हैं चिपसेट की, स्नैपड्रैगन 870 आपको जो है डेफिनेटली नया चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो हमने जो है वहां पर परफॉर्मेंस के मामले में बेंचमार्क स्कोर देखे हैं, जो कि शाओमी ने यहां पे अनाउंस किए थे, पोको ने अनाउंस किए थे, लेकिन हम यहां पे बेंचमार्क में बिलीव नहीं रखते हैं। जब हमारे पास फोन अवेलेबल होगा, तब जरूर से आपको हम यहां पे जो है गेमिंग टेस्ट या फिर जो है कंपैरिजन करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा चिपसेट बेटर है, मतलब नया चिपसेट एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर जो है नहीं कर पा रहा है। गाइस अगर बात करते हैं यहां पे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो बैटरी यूज की गई है वो है 4520 mAh की बैटरी, और अगर चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, तो इनबॉक्स में आपको 33 वॉट का चार्जर जो है देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर सुपर एमोलेड स्क्रीन होने के बाद में भी आपको जो है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अगर ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आता, तो वहां पर जो प्राइस है ना वो थोड़ा सा अप हो जाता, लेकिन नो डाउट आपको जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर का परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल एक अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा गाइस अगर वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, तो दो वेरिएंट जो है इंडिया में लॉन्च होने की पूरी पूरी उम्मीद है, जो कि है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज और 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। तो गाइस ये था एक ओवरऑल पैकेज Mi 11X या फिर जो है पोको F3 का। हमें जो है नाम से कोई लेना देना नहीं है पोको F3 आए या फिर जो है Mi 11X आए, लेकिन हमें लगता है कि पोको की ब्रांडिंग के साथ में अगर आता, तो उसका जो है प्राइस कम होता। मी की ब्रांडिंग के साथ में आ रहा है, तो वहां पर जो है प्राइस जो है कंपैरिजन पोको F3 जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है उससे हल्का सा जो है ज्यादा होने की उम्मीद है। हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि 25,000 फिर जो है 26,000 रुपए का जो है इंडिया में लॉन्च हो सकता है उसका बेस वेरिएंट। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर बताना, आपको क्या मानना है इस Mi 11X के बारे में या फिर जो है पोको F3 के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जो है जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।